नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही, लेकिन जिस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान हुआ था, उस वक्त ईशान किशन को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। ईशान किशन को मौका क्यों नहीं मिला, ईशान किशन के साथ बीसीसीआई अन्याय क्यों कर रही है, उन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है, नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्या ईशान किशन का करियर खत्म हो चुका है, क्या ईशान किशन को टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा, आखिर ईशान किशन से किन बातों को लेकर बीसीसीआई नाराज है, ये तमाम सवाल उस वक्त ईशान किशन को लेकर खड़े हुए थे। अब ईशान किशन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है इरफान पठान ने, और जाहिर तौर पर इरफान पठान के इस बयान के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईशान किशन के बहुत जल्दी दरवाजे खुलने वाले हैं, ईशान किशन टीम इंडिया में आने वाले हैं, ईशान किशन की किस्मत खुलने वाली है। जाहिर तौर पर देखिए, ईशान किशन को लेकर क्योंकि बाबू बुच्ची टूर्नामेंट में पहले ईशान किशन से बीसीसीआई की अनबन हो गई थी, बीसीसीआई ने बोला था कि ईशान को घरेलू क्रिकेट में जाना चाहिए, ईशान किशन ने बात नहीं मानी। उसके बाद में बाबू बुच्ची टूर्नामेंट से जैसे ही ईशान किशन ने वापसी की, तूफानी अंदाज में शतक लगाया, उसके बाद में घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन कमाल की परफॉर्मेंस इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बात बल्लेबाजी की करिए, विकेट कीपिंग की करिए, ईशान किशन बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। अब ईशान किशन को लेकर जो बयान दिया इरफान पठान ने वो बहुत पॉजिटिव है, और जाहिर तौर पर ईशान किशन के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है। ईशान किशन के करियर को लेकर भी इरफान पठान ने कहा है कि ईशान किशन इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत पसीना बहा रहे हैं और अपनी बल्लेबाजी पर बहुत फोकस कर रहे हैं। ईशान किशन इस वक्त इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसे देखते हुए अब बीसीसीआई को ईशान किशन को मौका देना पड़ेगा। इरफान पठान ने कहा है कि बहुत जल्दी आप ईशान किशन को टीम इंडिया के अंदर देखेंगे, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ईशान किशन का परफॉर्मेंस रहा है और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो मतलब टीम इंडिया में आने के हकदार हैं। और अब बीसीसीआई को, गौतम गंभीर को, कप्तान को अब ईशान किशन के बारे में सोचना पड़ेगा। जाहिर तौर पर ईशान किशन को लेकर जो इरफान पठान का ये बयान है, पॉजिटिव माना जा रहा है, क्योंकि वास्तव में ईशान किशन का परफॉर्मेंस पिछले कुछ वक्त में बड़ा अच्छा रहा है। ईशान किशन ने जब घरेलू क्रिकेट में वापसी की है तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की है, और इसके बाद में तमाम क्रिकेट फैंस का कहना है कि ईशान किशन को अब मौका मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर ईशान को मौका नहीं मिलता है तो क्रिकेट फैंस का कहना है कि ईशान के करियर के साथ खिलवाड़ होगी, ईशान किशन के करियर को बर्बाद करने वाला फैसला होगा, इसीलिए बीसीसीआई को इस तरीके के खिलाड़ी के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए और ईशान किशन को मौका जल्द से जल्द देना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन एक होनहार विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो आपका इरफान पठान के इस बयान पर क्या कहना है, आप ईशान किशन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में ईशान किशन के साथ गलत हो रहा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।